नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पाक उच्चायोग का अधिकारी निकला जासूस, भारत से निकाला। पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी को जासूसी के लिए रक्षा दस्तावेजों के साथ पकड़े जाने के बाद भारत ने उसे अवांछित व्यक्ति करार देकर देश छोड़ने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को यहां चिड़ियाघर के पास एक छापा मारकर पाकिस्तानी उच्चायोग में पदस्थ अधिकारी महमूद अख्तर और दो अन्य भारतीय नागरिकों मौलाना रमजान और सुभाष जांगिड़ को पकड़ा है। उनके पास से सीमा एवं नियंत्रण रेखा पर सेना एवं सीमा सुरक्षा बल की तैनाती से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज और मानचित्र बरामद किए। विदेश सचिव एफ जयशंकर ने गुरुवार को साउथ ब्लॉक में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाया और महमूद को जासूसी के आरोप में अवांछित करार देकर देश से बाहर जाने का फरमान सुनाया। पुलिस ने बताया कि महमूद वीजा विभाग में तैनात था और वह पाकिस्तानी सेना की 40 बलूच रेजिमेंट में हवालदार है, जिसे कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI में नियुक्त किया गया था। ये लोग करीब 1.5 साल से ISI के लिए जासूसी कर रहे थे और दिल्ली पुलिस 6 माह से उन पर नजर रखे हुए थी। बुधवार रात गिरफ्तार किए अख्तर ने अपनी पहचान गलत बताई थी और उसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी मिला है। अख्तर को 2.5 साल पहले पाकिस्तान उच्चायोग में नियुक्ति दी गई थी और वह महीने में एक बार पाकिस्तान का दौरा करता था। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने अपने घिसे पिटे बयान में जासूसी के लिए नई दिल्ली स्थित उच्चायोग में अपने अधिकारी को अवांछित करार दिए जाने की निंदा की है और अपने राजनयिक के खिलाफ आरोपों को गलत और अप्रमाणित बताया है। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिकों को पकड़ने और उन्हें जासूसी के आरोप में निष्कासित करने का सिलसिला 90 के दशक में आम रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू के RSpura सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में गुरुवार को BSF के हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार शहीद हो गए और 6 नागरिक घायल हो गए। कुमार बिहार के मोतिहारी जिले में रक्सौल गांव के रहने वाले थे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा। बीजिंग ओलंपिक 2008 के 6 पदक विजेताओं से छीने पदक। सुप्रिया सुले ने कहा, मिस्त्री को हटाया जाना सैद्धांतिक रूप से गलत। सूरत के अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं गांधी जी के पौत्र कन्हू भाई गांधी। हवाई हमले में 26 लोगों की मौत के बाद रूस का दावा, उसके और सीरिया के विमान 9 दिन से अलेप्पो नहीं गए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।